आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन है उसमें लगा है कि ए बी सी डी जो है ना, ये 5 नंबर्स हैं, ठीक है। इनमें फर्स्ट 3 नंबर्स आर इन ए पी, ठीक है, और लास्ट 3 नंबर्स आर इन एच पी, ठीक है। इफ 3 नंबर्स इन द मिडिल आर इन जी पी, द नंबर्स एट देयर ऑड प्लेसेस आर इन, ये अपने पास ऑप्शन है, ठीक है। तो मतलब क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। देखो, ए पी सी डी और ई गिवन है, ए अपना 5 नंबर, ठीक है। फर्स्ट 3 आर इन ए पी, मतलब ए बी सी आर इन ए पी, तो ए बी सी ये क्या है, अपने ए पी में है, ठीक है। चलो, ए पी में हो गया। और लास्ट 3 आर इन एच पी, लास्ट 3 कौन से, सी डी और ई है, तो सी डी और ई ये क्या है, एच पी में है, ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्या बोला है कि 3 नंबर्स इन द मिडिल आर इन जी पी, मिडिल में कौन सा है, ये बी सी और डी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि बी सी डी ये किस में है, जी पी में है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि नंबर्स एट ऑड प्लेसेस आर इन, मतलब ऑड प्लेसेस पे कौन सा, ये फर्स्ट प्लेस, ये थर्ड प्लेस और ये फिफ्थ प्लेस, ठीक है। तो ये ए सी और ई कौन किस में है, ये हमसे बताना है, मतलब ए पी, जी पी, एच पी या नॉन ऑफ दिस, ठीक है, ऐसा बताना है। चलो, तो देखो, जब 3 नंबर्स ए पी में होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है 2b = a + c होता है, ठीक है, ठीक है। और एच पी में जब होते हैं तब क्या होता है, तब देखो एच पी का मतलब क्या होता है कि ये अगर एच पी में है तो 1/c और 1/d और 1/e ये क्या होंगे, ये ए पी में हो जाएंगे, ठीक है। तो ए पी में हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, मतलब 1/d माइनस में 1/c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/e माइनस में 1/d, कॉमन डिफरेंस कहाँ से आएगा, इन दोनों कंजुगेटिव का डिफरेंस ही तो आएगा, ठीक है। तो देखो, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/d हो जाएगा और इज इक्वल टू 1/e और प्लस में कितना हो जाएगा, 1/c, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, c प्लस ई डिवाइडेड बाई कितना, सी ई, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर d जो आया है, d कितना है, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 2CE डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, c प्लस ई, ठीक है। तो ये अपना थर्ड इक्वेशन हो गया। चलो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, ठीक है, फर्स्ट, और ये सेकंड, थर्ड नहीं, सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब थर्ड देखो, बी सी डी आर इन जी पी, इसका मतलब ये होता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, बी डी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन है मेरे पास, ये है और 2b इज इक्वल टू कितना है, a प्लस सी है, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी के इक्वल है, ठीक है, ऐसा है। चलो, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से d की वैल्यू उठाता हूँ, तो देखो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। देखो, हमको चाहिए रिलेशन किस में, a, c और e में चाहिए, ठीक है, तो उसी का ध्यान रखते हुए हम कर रहे हैं, पहले d को सी स्क्वायर बाई बी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर अगर मैं d की वैल्यू रख देता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी ई डिवाइडेड बाई सी प्लस ई, यही था, ठीक। तो देखो, यहाँ पर एक सी तो गया, ठीक है, एक सी गया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा सी और सी प्लस में ई आएगा, और यहाँ पर देखो एक ई है ही और यहाँ पर बी भी आएगा, मतलब 2BE हो गया है, ठीक है। अब 2B की वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ, देखो ए प्लस सी के इक्वल, ठीक है, तो रख देता हूँ, चलो, तो 2B की वैल्यू होगी ए प्लस सी, ठीक है, और ये मल्टीप्लीकेशन में ई है और इधर अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, तो सी स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, सी ई, ठीक है। अब इसमें भी अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो ये हो जाएगा ए ई और प्लस में कितना, सी ई, और यहाँ पर सी स्क्वायर और प्लस में कितना है, सी ई। तो देखो, सी ई तो गया ना, तो यहाँ पर हुआ क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब मेरा ए सी और ई ये क्या होते हैं, जी पी में होते हैं, ठीक है। तो ए सी ई अपना जी पी में है और उन्हीं तीनों के बीच में हमारा रिलेशन निकालना था, तो अपना आंसर कौन सा, जी पी, ऑप्शन नंबर 2। तो होप आपको समझ में आएगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।